हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है और ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिन्हें हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज में डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, जब मैंने आपके साथ सेक्शन 10 डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ पे कहा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, लाइक देर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज, देर शुड बी अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए एंड सो ऑन। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें ऐसे एलिमेंट्स नहीं होते, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑफर नहीं होता, उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता, फ्री कंसेंट की बात नहीं होती, कंसिडरेशन की बात नहीं होती। तो यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स भी नहीं होते लेकिन फिर भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, क्योंकि लॉ हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा देता है उन्हें परफॉर्म करने की ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर पे आपका फ्रेंड है जो शॉपिंग करके डायरेक्टली आपके घर पे आ जाता है अपनी शॉपिंग बैग्स के साथ। अब वो आपके साथ बात करता है और जब वो अपने घर जाता है तो अपने शॉपिंग बैग्स को आपके घर पे ही भूल जाता है। आपको वो शॉपिंग बैग्स दिखते हैं और आप उसने अपना ट्रीट करके अपने पास रख लेते हैं। अब बाद में जब वो आपसे अपने बैग्स लेने आता है तो आप उन्हें कहते हैं कि मैं तो बैग वापस नहीं कर रहा। ऑल्दो ही इज़ योर फ्रेंड, लेकिन फिर भी आप उसे मना कर देते हैं कि देख, मैं ना तेरे बैग्स को वापस नहीं कर रहा, वो मैंने अपना ट्रीट कर लिया। तो क्या यहाँ पे आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसे वापस करो? अब जब आपका फ्रेंड कोर्ट चला जाता है कि सर देखिए, मेरा जो मेरे शॉपिंग बैग्स हैं मुझे वापस नहीं दे रहा, मैंने उसमें एक न्यू फ़ोन ख़रीदा था, शेरवानी है, मेरा बहुत सारा महंगा महंगा स्टफ़ है लेकिन ये मुझे वापस नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट में ये कहेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, मैं इसे वापस क्यों करूं? ये तो भूल गया ना, इसकी गलती है, ही शुड बी पनिश्ड, अब इसे फेस करना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्यों भूल के गया? तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो ये कहता है कि सामने वाली पार्टी दूसरे के एक्सपेंस पे खुद को बेनिफिट नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पे हम एक डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। यानी कि आप कोई भी पर्सन जो है वो किसी और के एक्सपेंस पे अपने आप को अनजस्टली जो है वो एनरिच नहीं कर सकता, अपने आप को बेनिफिट नहीं कर सकता। तो आपने दूसरे के एक्सपेंस पे खुद को बेनिफिट किया, आप उस कह रहे हो कि मैं उसका सामान वापस नहीं करूंगा, मैंने उन्हें अपना ट्रीट कर लिया। तो ऐसा लोग ना करें, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन में डाल दिया कि यहाँ पर एक पर्सन को लॉस हो रहा है और दूसरे पर्सन को उसके लॉस पे बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाली पार्टी उसे कॉम्पेंसेट करेगी, या तो आप उसके गुड्स वापस कर दो, लेकिन अगर आपके पास वो गुड्स नहीं है, आपने उन्हें यूज़ कर लिया या कुछ सेल कर दिया, तो आप उसे डैमेजेस देंगे, यानी कि आप उसे कॉस्ट जो है आप उसको वापस करेंगे। तो इन्हीं को हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई कंसिडरेशन हमने नहीं किया, कोई भी फ्री कंसेंट की बात नहीं करी, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं क्योंकि यहाँ पे लॉ ने हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा दी, एक ड्यूटी लगा दी है टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इसीलिए हम इन्हें कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है लेकिन फिर भी लॉ की वजह से हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दी गई है, दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से 72, यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का जो सेक्शन है वो 68 से लेके 72 तक कवर होता है। एंड यहाँ पे हमें 5 केसेस पढ़ने हैं जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में कंसीडर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकेपेबल पर्सन, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिटस एक्ट, लाइबिलिटी ऑफ फाउंडर ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन। तो अब इसे 1 by 7 सबको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकेपेबल पर्सन, सेक्शन 68। अब देखिए, ये हमने माइनर वाले केस में भी किया था कि अगर कोई पर्सन इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और इनकेपेबल कौन होता है, या तो माइनर्स या फिर अनसाउंड पर्सन, तो या तो वो खुद इनकेपेबल है और ऐसे पर्सन जो कि वो लीगली बाउंड है उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो अगर या तो माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन या फिर उनकी फैमिली मेंबर को कोई दूसरा पर्सन नेसेसरी सप्लाईज करता है जो कि उनकी कंडीशंस के लिए, उनकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन, तो जिनके बिना वो रह नहीं सकते, मेडिकेशन वगैरह, फ्यूनरल एक्सपेंस, अगर उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो नेसेसरीज में ही आते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेंस के लिए आपने सामने वाले को नेसेसरी सप्लाई की है, तो जिस पर्सन ने गुड्स सप्लाई किए हैं, नेसेसरी सप्लाई किए हैं, वो अपने उन एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर सकता है, रिकवर कर सकता है उस माइनर से और या फिर अनसाउंड पर्सन से। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन है ना,
अनसाउंड पर्सन है वो खुद लाइबल नहीं होता, यानी कि दे आर नॉट पर्सनली लाइबल, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उनसे रिकवर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने सामने वाले पर्सन को 1 लाख रुपीज़ की नेसेसरी सप्लाई की है माइनर को, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सिर्फ 40,000 रुपीज़ है, तो हमने बोला कि आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, तो आपके 1 लाख रुपीज़ में से सिर्फ 40,000 ही रिकवर हो पाएंगे एंड बाकी के जो 60,000 रुपीज़ है वो इररिकवरेबल हो जाएंगे और आप उन्हें रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों डाला, तो देखिए यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए डाला क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विद अ माइनर और अनसाउंड पर्सन वो होता है वॉइड एब इनिशियो, वो तो वॉइड होता है। लेकिन क्या माइनर को नेसेसरीज नहीं चाहिए, क्या अनसाइंड पर्सन को नेसेसरीज नहीं चाहिए? तो कोई भी पर्सन उनको ये गुड सप्लाई नहीं करेगा बींग वॉइड एब इनिशियो, वो कहेगा तुम लोग तो खा पी के चले जाओगे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोर्ट को पता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये नेसेसरी है माइनर्स के लिए और अनसाउंड पर्सन के लिए, वरना तो वो जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लॉ ने यहाँ पे उस कैटेगरी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में इनको डाल दिया, ताकि जो पर्सन गुड सप्लाई कर रहा है उनको नेसेसरी सप्लाई कर रहा है वो जो है वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे ना हो। कल को कोई ये ना कहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर है तो इसलिए वॉइड है। तो हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे डाल दिया कि अगर आप नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और यहाँ पे सामने वाली पार्टी जो है वो सामने वाले की प्रॉपर्टी से, सामने वाले की इस्टेट से अपना अमाउंट रिकवर कर सकती है, सो इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक, तो बी जो है वो यहाँ पे ल्यूनेटिक पर्सन है, विद नेसेसरी सुइटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइटल टू बी रिइंबर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। तो ए ने जो भी नेसेसरी सप्लाई की है उसकी जो कॉस्ट है वो कहाँ से रिकवर करेगा, बी की प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर सकता है। सेकेंड केस आता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन सेक्शन 69। अब यहाँ पे क्या होता है, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल टू बी रिइंबर्स बाय द अदर। तो इसको समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको ऊपर की लाइन समझ में आएगी। तो देखिए आप एग्जाम्पल में है, ए होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज, तो ए ने क्या किया है, एक लैंड है बंगाल में, उसने उसे लीज पे लिया है। लीज का मतलब होता है कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेंट पे लेते हैं तो उसे हम लीज बोलते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं तो हम उसे रेंट ही बोलेंगे कि मैंने रेंट पे लिया है, लेकिन अगर आपका जो टाइम पीरियड ऑफ रेंटिंग है वो लॉन्गर टाइम होता है तो हम उसे वहाँ पे लीज वर्ड यूज करते हैं। बी इज द ओनर ऑफ द लैंड, तो ए ने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है, किससे लिया है, बी से लिया है जो कि उसका ओनर है लैंड का। द लैंड रिवेन्यू पेबल बाय बी टू द गवर्नमेंट इज इन एरियर्स, अब जो बी है उसने क्या किया, लैंड के ऊपर रेवेन्यू पे करना होता है हर साल गवर्नमेंट को, तो उसने गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू अभी तक पे नहीं किया जो कि एरियर चल रहा है, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग है। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट एडवर्टाइज्ड द लैंड फॉर सेल टू रिकवर द ड्यूज, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने बार बार नोटिस दिया बी को कि लैंड एरियर पे कर दो, पे कर दो, पे कर दो, लेकिन उसने पे ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया न्यूज़पेपर में कि हम बी की जो लैंड है विद प्रॉपर एड्रेस, उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया कि हम बी की लैंड को सेल करेंगे और जो भी अमाउंट मिलेगा हम उससे रिकवर कर लेंगे अपने लैंड रेवेन्यू। तो उन्होंने ऐसा एडवर्टीजमेंट दे दिया, टू प्रिवेंट द सेल ऑफ लैंड ए पेज द एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, अब उस लैंड के ऊपर किसने अपना घर, किसने उसको लीज पे ले रखा था, ए ने ले रखा था, तो उस लैंड पे मान लीजिए कि उसने अपना बिजनेस कर रखा है, अब बी ने रेवेन्यू नहीं पे किया लेकिन अब लॉस किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, उसने तो अपना बिजनेस वहां पे कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट किसका हुआ, ए का हुआ, उसी का तो इंटरेस्ट है ना उस लैंड में। तो उसने क्या किया, वो जाके खुद गवर्नमेंट को पेमेंट करके आ जाता है, जो भी लैंड रेवेन्यू एरियर्स में होते हैं सबकी पेमेंट कराता है, लेकिन उसने बी से अभी तक कुछ भी नहीं बोला। अब यहाँ पे ए की पेमेंट के बाद इन दिस केस बी इज बाउंड टू रिइंबर्स द अमाउंट टू ए, अब यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को पता है कि लोग ऐसा करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी ऐसे अमाउंट में जो कि सामने वाले की लाइबिलिटी है और अगर आप उस अमाउंट को पे कर देंगे तो आपको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहे हैं और आपके पास राइट है कि आप सामने वाली पार्टी से क्लेम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए जो है अब बी के पास जाता है कि देखो तुम्हारे लैंड रेवेन्यू जो थे वो मैंने पे कर दिया गवर्नमेंट को, अब तुम मुझे पे कर दो, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे किया। तो बी कहता है एक बात बता, मैंने तुझे बोला कि पे कर दे, तूने मुझसे पूछा पे करने से पहले, तू गया और पे करके आ गया, अच्छा है लैंड चली जाती, मुझे तो लैंड वैसे भी नहीं रखनी थी तभी तो मैं पे नहीं कर रहा था इतने टाइम से। तो बी तो मना कर देता कि भाई मैं तो पे नहीं कर रहा, मैं क्यों पे करूं, तुमने तो मुझसे बात ही नहीं की पे करने से पहले।
तो बी गवर्नमेंट को भी पता है, बी मना कर देगा, अगर उसे पे करना होता वो तो कब से पे कर देता। तो गवर्नमेंट ने ऐसे केसेस को क्वासी कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया कि ए के पास लीगल राइट है कि वो बी से अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो अब ऊपर की लाइन पढ़ते हैं हम लोग, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, यानी कि जिसका इंटरेस्ट है उस मनी को पे करने में, तो यहाँ पे ए का इंटरेस्ट था ना क्योंकि उसने लीज पे ली थी, जो कि सामने वाली पार्टी लीगली बाउंड है पे करने के लिए, तो यहाँ पे लीगली बाउंड कौन था, बी था, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अमाउंट पे करना। एंड हु देयर फॉर पेज इट, और किसने पे किया, ए ने पे किया जो कि इंटरेस्टेड है। तो सामने वाला पर्सन जो कि बाउंड है पे करने के लिए वो पे नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जगह आप पे कर रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है मनी को पे करने में, तो आप एंटाइटल्ड हो टू बी रिम्बर्स बाय दी अदर। तो हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप अपने आप को रिम्बर्स करा सकते हो, अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हो फ्रॉम दी अदर पार्टी, एंड दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिटस एक्ट सेक्शन 70। अब देखिए दो टाइप्स के एक्ट होते हैं, एक होता है ग्रेटिटस एक्ट और एक होता है नॉन ग्रेटिटस। ग्रेटिटस का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिसके बदले आप पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और शॉर्ट में बोलूँ तो सेवा भाव, जहाँ पे हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और दूसरा होता है नॉन ग्रेटिटस, यानी कि जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो मुझे बदले में कुछ मिले, यानी कि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए अगर मैंने किसी की हेल्प की है, तो ये होता है नॉन ग्रेटिटस एक्ट। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, यानी कि जहाँ पे एक पर्सन लीगल तरीके से लॉफुली किसी और के लिए कुछ करता है और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, और आप उसे कुछ डिलीवर कर देते हो नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुटसली, यानी कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो लॉफुली दूसरे पर्सन के लिए, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है, ग्रेचुटसली नहीं है, यानी कि सेवा भाव नहीं है, आप उम्मीद लगा रहे हो कि यार मैंने इसके लिए कुछ किया तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए या मुझे कुछ तो मिले बदले में। एंड सच अदर पर्सन एन्जॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, यानी कि जिस पर्सन के लिए आपने कुछ किया है उसको बेनिफिट भी हो रहा है, तो आपने जिसके लिए किया उसको बेनिफिट मिल रहा है और आपकी उम्मीद क्या है कि यार मैंने इसके लिए कुछ किया है तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। द लेटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पेंसेशन टू द फॉर्मर। अब देखिए लॉ में जहाँ पे आपको लेटर वर्ड मिलेगा, इसका मतलब होता है जिसके बारे में हम इसलिए आएंगे, जिसके बारे में हमने सेकेंड टाइम पे बात की है, तो यहाँ पे हमने सेकेंड में किसके बारे में बात की है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है। तो लेटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पेंसेशन टू द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाली पार्टी, तो पहले वाली पार्टी कौन है, जो कि कॉम्पेंसेशन उम्मीद लगा रही है, तो यानी कि बाद वाला पर्सन जिसको जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो लीगली बाउंड है कि वो पहले वाला जिसने काम किया है, जिसने आपकी मदद की है, आप उसे कॉम्पेंसेशन दे इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स सो डन। अब आप इसे यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करके पढ़ना कि यानी कि जिसने आपके लिए कुछ किया है उसके लिए आप उसे कॉम्पेंसेशन दो, और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डिलीवर्ड, यानी कि ऐसी चीज़ें जो उसने आपको दी हैं डिलीवर की है आप उसके लिए उसको कॉम्पेंसेशन दो। अब देखो आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, ए अ ट्रेड्समैन लीव हिज गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। अब देखो वही एग्जांपल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि ए एक ट्रेडमैन अपने गुड्स को गलती से बी के घर पे भूल जाता है बाय मिस्टेक, और बी उन्हें अपना गुड्स समझ के उनको यूज़ कर लेता है। अब यहाँ पे क्या है कि बी ने उन गुड्स को यूज़ कर लिया, तो बी क्या करेगा, अगर उसके पास वो गुड्स होते तो वो लायबल होता टू रिटर्न द गुड्स, लेकिन यहाँ पे तो उसने गुड्स को कंज्यूम कर लिया, उसने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, बी इज़ बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। तो यहाँ पे बी जो है उसकी लीगल लायबिलिटी है कि वो उसको गुड्स के लिए पेमेंट करेगा, तो जो भी उनकी कॉस्ट थी वो सारी बी जो है वो ए को पेमेंट करेगा। सो दिस इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट फॉर नॉन ग्रेजुएट एक्ट। अब उसने गुड्स को गलती से डिलीवर कर दिया, आपके घर पे छोड़ गया वो गुड्स को गलती से, और आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, तो जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो क्या करेगा कि उन गुड्स के बदले कॉम्पेंसेशन देगा जिसके वो गुड्स थे। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे कवर होता है। अब देखिए लॉस फाउंडर गुड्स वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर फाइंडर गुड्स होता तो मतलब हमें ओनर ही नहीं पता होता, तो फाइंडर गुड्स वाले के लिए हमें ओनर का पता होना नहीं चाहिए, तो पर यहाँ पे तो हमें पता है कौन छोड़ के गया है, तो मुझे पता है अभी अभी आंटी आई थी मेरे घर तो ये आंटी के ही गुड्स होंगे, तो यहाँ पे हमें पता होता है किसके गुड्स है, लेकिन फिर भी हम उसे यूज़ कर लेते हैं। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि आप जो है 6 फ्लोर है, 3 फ्लोर का एक घर है, तो जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है, तो
यहाँ पे क्या होता है कि जो पाइप होता है पानी का वो टूट जाता है, तो उस घर का जो पानी का पाइप होता है जिसे वाटर सप्लाई होती है वो पाइप टूट जाता है, और एक पर्सन जाके उस पाइप को रिपेयर कराया था, यानी कि एक फ्लोर का जो ओनर है वो उसे जाके पाइप को रिपेयर कराया था। क्या उसने ये काम ग्रेचुटसली किया? नहीं, उसने तो ग्रेचुटसली नहीं किया। उसे पता है कि मुझे सेवा भाव से थोड़ी ना किया, उसे पता है कि मैं बाकी के जो फ्लोर ओनर है मैं उनसे कॉम्पेंसेशन लूंगा। लेकिन बाकी वाले उससे जब उसने पैसे मांगने गया, जिसने पानी की सप्लाई, उसने पाइप वाटर के पाइप को ठीक कराया, तो बाकी फ्लोर ओनर कहते हैं कि तुमने तो हमसे पूछा ही नहीं, सो देयर इज़ नो ऑफर, देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस, तो तुम हमसे क्यों क्लेम कर रहे हो। तो वो ये कहेगा कि देखो ये काम मैंने सेवा भाव से नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, अपने लिए तो किया है लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ किया है, आई एम डन समथिंग लॉफुली फॉर यू, और आपको उससे बेनिफिट भी मिला है, बेनिफिट भी मिला, आपको भी वाटर सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे जो अदर फ्लोर ओनर है दे आर बाउंड टू मेक द पेमेंट टू दैट फ्लोर ओनर, तो यहाँ पे वो लीगली बाउंड है कि वो उसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है और सामने वाली पार्टी ने नॉन ग्रेचुटसली किया है, पेमेंट की उम्मीद से किया है, तो आप लीगली बाउंड है कि आप उसे पे करेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाउंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। अब देखिए यहाँ पे बोला है अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, यानी कि अगर आपको गुड्स मिलते हैं जो कि सामने वाले पर्सन के किसी और पर्सन के हैं, एंड टेक्स देम इन टू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। अगर आपको सामने वाली पार्टी के गुड्स मिलते हैं, उसने खो गए हैं और वो गुड्स आपको मिल जाते हैं और आप उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, तो आपकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक बेली की होती है। बेलर एंड बेली अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेलमेंट का, कि जिसमें जो बेलर होता है वो अपने गुड्स को सामने वाली पार्टी को देता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने गुड्स जो है वो कपड़े ड्राईक्लीन के लिए दिए हैं, तो ड्राईक्लीन वाला ये तो नहीं उनको तोड़ फोड़ के फेंक देगा, उनको काट पीट के, तो वो क्या करेगा, मेरे कपड़ों को ड्राईक्लीन करके संभाल के रखेगा जब तक मैं उन्हें वापस नहीं ले जाती। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेगा कि उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे गुड्स को अपनी कस्टडी में सेफ रखें। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि अगर आपको किसी सामने वाली पार्टी के गुड्स मिल जाते हैं और आप उन्हें अपनी कस्टडी में लेते हैं, तो आपकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि एक बेली की होती है। तो आपको भी उन गुड्स को बिल्कुल संभाल के रखना है, बिल्कुल उनकी टेक केयर करनी है जैसे कि वो आप ही के गुड्स हों। ही मस्ट टेक केयर रिजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एंड कीप देम इन साउंड कंडीशन एंड ट्राई टू फाइंड इट्स ओन ओनर, यानी कि आपने उन गुड्स की प्रॉपर केयर करनी है और उन्हें अपने पास संभाल के रखना है, साउंड कंडीशन में रखना है, और उसके ट्रू ओनर को फाउंड करना है कि हु इज़ द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। कि यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ एंड कुछ राइट्स आते हैं एक फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है, कि सबसे पहली ड्यूटी है कि अगर आपको किसी के गुड्स मिलते हैं तो आपने ट्राई करना है कि उसके रियल ओनर को आप फाइंड आउट करो, और आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के यूज़ नहीं करना। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपको कोई फ़ोन मिल जाता है मान लीजिए, और आप क्या करते हैं, आप उस फ़ोन को अपना फ़ोन समझ लेते हैं, पुरानी सिम फेंक के आप उसमें अपनी सिम डाल के आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आपको रियल ओनर मिल जाता है तो आप इमिजिएटली उसको गुड्स हैंड ओवर कर दो, जैसे आपको ओनर मिल जाता है तो आप उसे उसके गुड्स को वापस रिस्टोर कर दो। लेकिन अगर आपने उसके ट्रू ओनर को फाइंड करने की कोशिश ही नहीं की, तो मान लीजिए आपको फ़ोन मिला था और आपने अपने पास रख लिया और आपने ट्रू ओनर को फाइंड ही नहीं करने की कोशिश की कि मैं इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूंगा, छोड़ना कौन ढूंढेगा, तो यहाँ पे आपके ऊपर सेक्शन 403 लग जाएगा इंडियन पीनल कोड का, IPC का सेक्शन 403, और एक क्रिमिनल सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, अगर फ़ोन वाला आपके ऊपर केस कर दे कि सर मेरा फ़ोन देखो इसके पास है, तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी और IPC के सेक्शन 403 में। लेकिन अगर आपने गुड्स को जो है वो फाइंड करने के लिए अपने पास रख लिया, आपने बहुत कोशिश की शायद मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन वो आपको मिल ही नहीं रहा, तो आपने अपने पास रखा हुआ है गुड्स को, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनका रीजनेबल केयर करो, जो कि जैसे कि वो आप ही के गुड्स हो, तो आपने उनको ट्रीट नहीं करना अपना, लेकिन रीजनेबल केयर करनी है आपने, हर वो चीज़ करनी है जो कि वो जो कि आप एक नॉर्मल पर्सन उन कंडीशंस में करता है। तो फॉर एग्जांपल एक गाय जो है वो आपको रोड पे दिखती है और उस पर लिखा है उसका ओनर वगैरह कि कोई होगा, मतलब ऐसी गलियों में घूमने वाली गाय नहीं है, लेकिन वो एक लग रहा है कि किसी की पालतू गाय है जो भूल गई है। आपने बड़ी कोशिश की लोगों से पूछने की कि शायद इसको किसी को पता हो कि वो उसका मालिक कौन है, लेकिन आपको नहीं पता चलता। आप क्या करते हैं कि आप उसे अपने घर पे ले आते हैं, वो शायद दर्द वर्द में होती है, तो आप उसे अपने घर में ले आते हैं, आप उसे दवाई वगैरह दिलाते हैं, खाना वाना सब अच्छे से खिलाते हैं, मतलब घास वगैरह सब कुछ, और आप उसकी पूरी अच्छे से केयर करते हैं।
तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आपने उन गुड्स को ऐसे ट्रीट करना है कि एक रीजनेबल पर्सन जो है उनकी ट्रीट उनका जो है वो केयर करता, तो आपने बिल्कुल वैसे ही उनका केयर करना है। जिस तरीके से फाइंडर ऑफ गुड्स के कुछ ड्यूटीज थे, सिमिलरली उसके पास कुछ राइट्स भी हैं। तो सबसे पहला राइट है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस इनकर किया है उस गुड्स को गुड कंडीशन में मेंटेन करने के लिए, तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको कोई काऊ मिलती है और आपने देखा कि वो पेन में है, आप उसे डॉक्टर के पास लेके गए, मेडिकेशन वगैरह किया, आपने उसे 5 दिन अपने घर में रखा, तो जो भी एक्सपेंसेस आपने उस काऊ को गुड कंडीशन में मेंटेन करने के लिए रखा, तो आपने जो भी एक्सपेंसेस उसके ऊपर किए हैं, आप उस एक्सपेंसेस को उसके ट्रू ओनर से रिकवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि उसका ट्रू ओनर 5 दिन बाद आपके पास आता है कि मेरी गाय आपके पास है, मुझे वापस कर दो, आप उससे कह सकते हैं कि ठीक है गाय ले जाओ, लेकिन जो मैंने 5 दिन में 5,000 रुपये का खर्चा किया है वो मुझे पे कर दो। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास राइट क्या है कि आप अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो रिकवर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ट्रू ओनर आपको कहता है कि नहीं मैं तो नहीं दे रहा, मैंने तो नहीं कहा था इसे डॉक्टर के पास ले जा, मैं तो इसे घर की दवाई बना के खिलाता, तो मैंने तो नहीं कहा इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो वो आपको डैमेजेस पे एक्सपेंसेस पे करने से मना कर देता है। तो इन दैट केस आपके पास राइट है कि आप उसको काउ देने से मना कर दो। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके पास राइट है गुड्स के ऊपर, तो आपको हम राइट दे रहे हैं कि आप उसके गुड्स वापस मत करो जब तक कि वो आपकी पेमेंट ना कर दे। यहाँ पे आपके पास कोर्ट में जाने का राइट नहीं है, यानी कि आप कोर्ट में उसको स्यू नहीं कर सकते फॉर दी एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप उसकी काउ वापस मत करो और उसकी काउ आप अपने पास रख लो जब तक कि वो आपके 5,000 रुपीज़ पे ना कर दे। सेकेंड आपके पास राइट है कि मान लीजिए उस काउ ओनर ने एडवर्टीजमेंट निकाला या ऑफर किया कि जो भी मेरे गाय ढूंढेगा मैं उसे 10,000 रुपीज़ दूंगा। आपको उस ऑफर की नॉलेज हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है, उसके बाद वो काऊ आपको दिखती है कि यार सामने वाले रोड पे वही काऊ खड़ी है जो इस फोटो में है। तो यानी कि ऑफर आपको कम्युनिकेट हो चुका है, ऑफर कम्युनिकेट होने के बाद उस काऊ को आप देखते हैं कि वो खड़ी है और वो पेन में है, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सबसे पहले उसका मेडिकेशन वगैरह करवाते हैं, फिर वो ठीक हो जाती है जब, तो आप उसे उसके ट्रू ओनर के पास लेके जाते हैं। तो लेके जाने के लिए आपने कोई ट्रक वगैरह का इंतजाम किया, सब कुछ किया, तो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए। तो यानी कि यहाँ पे आप दो तरीके के एक्सपेंसेस आप उसके ट्रू ओनर से रिकवर करेंगे, एक एक्सपेंस जो आपने उसको गुड कंडीशन में मेंटेन करने के लिए किया, सेकेंड रिवॉर्ड। तो अगर वो आपको रिवॉर्ड नहीं पे करता तो आप उसे कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस के लिए आपको उसको आपके पास राइट है कि आप उसे काउ वापस ना करें। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप उससे रिकवर कर सकते हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका लास्ट सेक्शन है पेमेंट ऑफ डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन, सेक्शन 72। अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। यानी कि अगर आपने किसी पर्सन को मनी जो है गलती से पे कर दी या फिर कोई चीज़ बाय मिस्टेक डिलीवरी कर दी या फिर मिस्टेक की वजह से या फिर कोअर्शन की वजह से, तो सामने वाली पार्टी के पास ऑब्लिगेशन है कि वो आपको रीपे करेगी या फिर वो आपको रिटर्न करेगी। तो मान लीजिए कि आपके पास जो है एक पार्सल आ जाता है बाय मिस्टेक और आप सोचते हैं कि मान लीजिए उस दिन आपका बर्थडे होता है, तो बाय मिस्टेक आपके पास जो है वो सैंडविचेज आ जाते हैं, बाय मिस्टेक किसी और का पार्सल होता है वो आपके घर पर डिलीवर हो जाता है और आपको लगता है मेरा बर्थडे है तो किसी ने भेजे होंगे और आप उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही जो उस पार्टी का ओनर होगा, मतलब उस पार्सल का ओनर होगा, वो आपको कहेगा कि तुमने मेरे सैंडविचेस क्यों खाए। आप कहोगे मैंने तो गलती से खा लिए, सॉरी भैया, लेकिन वो कहेगा ठीक है तुम मेरे सैंडविचेस वापस करो। आप कहोगे वो तो मैं खा चुका, मैं कहाँ से दूँ। तो यहाँ पे वो आपसे अपनी कॉस्ट को रिकवर करेगा, यानी कि या तो आप उसके गुड्स को रिटर्न करो या फिर उसकी वैल्यू जो थी गुड्स की वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सो एनीथिंग पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ए एंड बी जॉइंटली ओ रुपीज 5,000 रुपीज टू सी, और ए और बी ने दोनों ने मिलकर 5,000 रुपये जो है वो सी से कर्जा लिया था। ओ क्या है, ए ने भी जाके सी को पैसा दे दिया 5,000 रुपये और बी ने भी जाकर 5,000 रुपये सी को दे दिया। तो ए ने सोचा मैं बी से बाद में ले लूँगा, सिमिलरली बी ने भी सोचा मैं ए से बाद में ले लूँगा, पहले मैं जाके सी को पेमेंट कराता हूँ। तो दोनों पार्टीज़ ने बाय मिस्टेक पूरा पूरा अमाउंट जो है वो सी को पे कर दिया। अब सी के पास 10,000 रुपीज़ की पेमेंट हो गई, तो यहाँ पे सी जो है वो बाउंड है कि वो 5,000 रुपीज़ जो है वो
जो उसको एक्स्ट्रा पे हो गया वो ए और बी को वापस करेगा, क्योंकि अमाउंट उसको बाय मिस्टेक पे हुआ है। अब यहाँ पे टर्म यूज़ होती है बाय मिस्टेक और बाय कोर्शन। यहाँ पे जो कोर्शन है ये सेक्शन 15 वाला कोर्शन नहीं है, जिसमें हम लोग फिजिकल थ्रेट की बात करते हैं कि कर रहे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन या मारू पिस्टल से, तो ये वो वाला हमारा कोर्शन नहीं है। यहाँ पे कोर्शन का मतलब होता है अंडर प्रेशर, यानी कि किसी को किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है और मुझे पता है कि उसको बहुत ज़रूरत है और हम उस ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं और हम उससे इलीगल तरीके से कोई चीज़ रिकवर उससे वसूलते हैं। अब यहाँ की यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरेज। अब देखिए यहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनीज होते हैं कि जो बंदा अब गुड्स को किसी और पार्टी को दे रहा है कि वो आगे सेल करे, तो जो गुड्स भेज रहा है वो कंसाइनर होता है और जिसको गुड्स मिलेंगे वो कंसाइनी होता है। तो यहाँ पे कंसाइनर ने रेलवेज के थ्रू गुड्स को कंसाइनी को भेजा और रेलवे कंपनी ने मना कर दिया कि मैं इन गुड्स को तुम्हें नहीं दे रहा, तो मेरा जो किराया है ना वो कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा मांग रहा है। तो मान लीजिए 3,000 रुपीज़ का रेलवे कैरेज था, पर रेलवे कंपनी ने बोला कि मैं 3,000 नहीं लूँगा, मैं तुमसे 10,000 रुपीज़ लूँगा, तो अगर तुम्हें गुड्स चाहिए तो मुझे 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसाइनी पेज द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स। अब कंसाइनी को गुड्स चाहिए थे तो उसने क्या किया, 10,000 रुपीज़ पे कर दिए उसको रेलवे कंपनी को। He is entitled to recover so much of the charges as well as illegal and excessive. तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि अगर आप इलीगल तरीके से किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के आप कोई अमाउंट रिकवर करते हैं तो सामने वाली पार्टी के पास राइट है कि वो आपको कोर्ट में स्यू कर सकता है और जो भी आपने उससे इलीगल तरीके से पैसा लिया है वो आपको उसको वापस करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज इलीगल एंड एक्सेसिव। सो दिस वॉज द लास्ट केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और हमने देखा कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं था, कोई भी कंसिड्रेशन नहीं था, कोई भी फ्री कंसेंट की बात नहीं की हमने एक्सेप्ट लास्ट वन, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये वैलिड होते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉ के जरिए हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाई गई है, ड्यूटी लगाई गई है कि हम दूसरे के कॉस्ट पे, दूसरे के एक्सपेंस पे हम खुद को बेनिफिट नहीं कर सकते, एंड दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।